नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नोज गुरु अंडाली में। आज मैं मेरे इस वीडियो में आपको पूर्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आखिर पूर्ति क्या है, पूर्ति किसे कहते हैं, पूर्ति होता क्या है, पूर्ति का वक्र कैसे बनता है, पूर्ति तालिका कैसे बनती है। इन सभी क्वेश्चन का जवाब आज मैं अपने इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे और सबसे पहले आप देखें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो और एग्ज़ाम के लिए आप तैयार रह सके। चलिए आज हम बात करते हैं पूर्ति किसे कहते हैं। पूर्ति जैसे कि आप नाम सुना होगा, पूर्ति सप्लाई करते हैं, हमने माल सप्लाई कर दिया है, हमने इस चीज़ की पूर्ति कर दी है। जबकि उत्पादक या जब कोई दुकानदार जब एक कीमत पर वस्तु को जो है सप्लाई करता है, वस्तु को जो है कि अपने उत्पादकों तक या उसके मांग करने वाले तक पहुंचाता है, तो उसके द्वारा जितना भी सामान पहुंचा जाता है उसको हम उस वस्तु की पूर्ति कहते हैं। तो सही अर्थों में कैसे कहा जाता है, सही अर्थों में हम कह सकते हैं कि पूर्ति किसे कहते हैं। तो इसका सिंपल सा एक डेफिनेशन है, सिंपल सा एक अर्थ है, एक निश्चित समय पर एक विक्रेता विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की जितनी मात्रा बेचने को तैयार रहता है उसे वस्तु की पूर्ति कहा जाता है। मतलब एक निश्चित समय होना चाहिए जिस समय हम पूर्ति की गणना करते बात करते हैं। एक विक्रेता विभिन्न कीमतों पर, क्योंकि एक वस्तु की अलग अलग कीमतें हो सकती है, अलग अलग कीमतों पर जब वो वस्तु की जितनी भी मात्रा यानी कि जितनी उसकी कीमत है उस पर जितनी भी मात्रा वो बेचने को तैयार रहता है उसे वस्तु की पूर्ति कहा जाता है। और पूर्ति हमेशा उत्पादक से संबंधित तत्व है, उत्पादक से रिलेटेड होता है। अगर उत्पादक को लगता है इस कीमत पर सामान को बेचा जाना चाहिए तो जिस पर वो बेचने को तैयार होता है उसे हम उस वस्तु की पूर्ति कहते हैं। तो इससे रिलेटेड एक महान प्रोफेसर है, प्रोफेसर थॉमस ने कहा था कि वस्तु की पूर्ति वह मात्रा है जो एक बाजार में किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जाती है। मतलब वस्तु की पूर्ति की वह मात्रा, एक वह क्वांटिटी है जो कि एक मार्केट में, एक बाजार में एक निश्चित समय पर अलग अलग कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जाती है। जिस हिसाब से उत्पादक को लगता है कि इस कीमत पर इतना सामान बेचा जाना चाहिए तो उसे ही उसकी हम पूर्ति कहेंगे। वस्तु की कीमत तथा पूर्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है, यानी कि वस्तु की कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध का पाया जाने का मतलब क्या होता है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है, यानी कि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती है। इसके उलट अगर वस्तु की कीमत घटती है तो वस्तु की पूर्ति भी घटती है। मतलब ये जो है कीमत और पूर्ति की मात्रा, वस्तु की पूर्ति की मात्रा दोनों ही एक साथ चलते हैं। यानी कि अगर कीमत में वृद्धि होगी तो पूर्ति में भी वृद्धि होगी, क्योंकि हर दुकानदार चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कीमतों पर ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचा जाए। एक नियम है, पूर्ति का नियम, कि अधिक कीमत पर अधिक सामान बेचा जाना हर उत्पादक चाहता है, हर विक्रेता चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कीमतों पर ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु बेची जाए। और जैसे ही वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो उसकी पूर्ति भी कम हो चली जाएगी, क्योंकि उसके लाभ में कमी आ जाएगी। और हर विक्रेता, कोई भी विक्रेता नहीं चाहता कि कम वस्तुओं को कम दाम पर बेचा जाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूर्ति क्या है। पूर्ति का मतलब हमने फिर से देख लेते हैं, पूर्ति एक निश्चित समय पर एक विक्रेता विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की जितनी मात्रा बेचने को तैयार रहता है उसे वस्तु की पूर्ति कहा जाता है। अर्थात इस डेफिनेशन को हम अच्छे से देख सकते हैं कि निश्चित समय पर एक विक्रेता विभिन्न वस्तु की जितनी मात्रा बेचने को तैयार रहता है उसे वस्तु की पूर्ति कहते हैं। अब ये तो पूर्ति हो गई, पूर्ति की कीमत हमने पूछा कि पूर्ति की कीमत अलग होती है, उस कीमत पर अलग अलग मात्रा जो है बेची जाती है। तो हम एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर किसी वस्तु की कोई एक वस्तु है, अगर उसकी हम प्रति इकाई कीमत को लेते हैं और वस्तु की प्रति कितनी वस्तु बेची जाती है, हम कुछ इस तरह से एक एग्जांपल को देख सकते हैं कि एक वस्तु की कीमत है 2 रुपये तो उसकी 10 इकाई बेची जाती है। वस्तु की कीमत बढ़ के होगी 4, बेची जा रही 20, 6 पे 30, 8 पे 40 और 10 पे 50। ऐसे में जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती चली जा रही है उसके अनुसार वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती चली जा रही है। अब इसको हम ग्राफ के माध्यम से दिखाएंगे। ग्राफ बनाना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियोज में बता चुका हूँ, ग्राफ बनाना बिल्कुल ईजी होता है। केवल जो दोनों चीज़ें होता है एक्स और वाई, एक को हम एक्स पे रखते हैं, एक्स वाई, हम इस तरह से ग्राफ बनाता है वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम पूर्ति की मात्रा बता रहे हैं और वाई एक्सिस को पूर्ति की वस्तु की कीमत को दर्शा रहे हैं। अब वस्तु की कीमत है 2, अब मात्रा पर जा रही है 10, यानी कि हम 10 और 2 को आपस में इस तरह खाली मिला देना है। वस्तु की कीमत है 4,
तो पूर्ति हो रही है वस्तु 20, तो मिला दीजिए। 6 पे वस्तु कीमत, वस्तु की पूर्ति हो रही है 30, तो यहाँ पर पॉइंट मिलेगा वो। इस तरह वस्तु की कीमत हो गई 8, 8 पे वस्तु की मात्रा है 40, 10 पे है 40। अब जो इसको सारे पॉइंट को आपस में हमें क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। जैसे हम इसको ज्वाइन करते हैं तो इसको कहते हैं पूर्तिवक, और पूर्तिवक अकेले बिंदुओं को ज्वाइन करके आपस में बन जाता है पूर्तिवक। इसको हम एस एस कैपिटल एस से दर्शाते हैं, कैपिटल एस मतलब एस पर सप्लाई, तो ये होगी पूर्तिवक। तो बिल्कुल आसान है आपका वस्तु की पूर्ति समझना और पूर्तिवक को समझना। थैंक यू।